दुर्गा बेटी है, दुर्गा बेटी है। और मैंने आज तक दुर्गा के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। दुर्गा मेरी बच्ची, तू खुश है ना? पर बड़े पापा आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सुना मासा खर्चा? अरे पगली, तेरे बड़े पापा के पास पैसे की कमी को नहीं। यंग बॉयज एंड गर्ल्स की पार्टी है, म्यूजिक होगा, सॉन्ग होगा, डांस होगा, तभी तो मजा आएगा। सबसे यंग तो मैं ही हूँ, इसका मतलब मेरे लिए भी बहुत खास पार्टी होने वाली है। वाव, मैं ना अपना वो नया वाला मेकअप ट्राई करूंगी, मजा ही आ जाएगा। वाव, वरना लोगों का क्या है मासा, आप ही बताओ। लोग आएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, खाना खाएंगे, आशीर्वाद देंगे और खाने में नुक्स निकालकर मुंह उठाकर छू मंतर हो जाएंगे। थैंक यू बड़े पापा, बहुत मजा आएगा। पता है मुझे तुम्हारी जनरेशन को अच्छे से समझता भी हूँ और जानता भी हूँ। दुर्गा, ओ दुर्गा, तू खुश है ना? बहुत। बड़े पापा इतने सारे एहसान कैसे? ये एक जाल है, जाल जिसमें तू फंस के मछली की तरह फड़फड़ाएगी और निकल को नहीं पावेगी। दुर्गा सीरियल में फाइनली वो सीन आ गया है जिसका आपने और हमने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार हमारे अनुराग ने उस मन्नत वाले पेड़ को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया है, दियों से, लाइट से, इतने ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया है कि भाई हमारी दुर्गा की आंखें तो उस पेड़ से हटी नहीं रही है। वही सच में इतना खूबसूरत सजाया कि हमारी आंखें नहीं हट रही। तो दुर्गा तो वहाँ सामने खड़ी है, उसका तो क्या ही कहना है। और कहानी में हम देख सकते कि भाई दुर्गा जो है इस खूबसूरत डेकोरेशन को देखकर, अनुराग को देखकर बेहद सरप्राइज हो जाती है। और इसी के साथ कहानी में इन दोनों का काफी क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दोनों कहानी में काफी रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमारा अनुराग जो है वो दुर्गा के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, तो दुर्गा भी अनुराग के लिए गिफ्ट लेकर आई है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जहाँ अनुराग दुर्गा को कंगन देता है, तो वहीं हमारी दुर्गा अनुराग को ब्रेसलेट देती है। और दोनों का प्यार जो है साफ साफ दोनों की आंखों में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों साथ में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और साफ साफ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और इसी के साथ दुर्गा ने अपने डर को जाहिर किया अनुराग के सामने। उसे डर है कि कहीं दुर्गा उससे दूर ना हो जाए, वो हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। और इस बार अनुराग ने उसे विश्वास दिलाया है कि दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना एक हो जाए, लेकिन हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द इन दोनों के रिश्ते को बहुत बड़ी नजर लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि विक्रम और पानी भाई ने मिलकर हमारी दुर्गा के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई दुर्गा ने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, इस वजह से एक बड़ा आयोजन रखा गया है। और इसी आयोजन के आड़ में इस बार दुर्गा और राजेश की शादी करवाई जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार विक्रम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं, क्या दुर्गा और राजेश की शादी हो जाएगी या फिर दुर्गा अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेगी, या फिर यहाँ पर अनुराग जो है वो अपनी दुर्गा को राजेश से शादी करने से रोक लेगा। ये सब देखना बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार अनुराग और दुर्गा की शादी होगी या राजेश और दुर्गा की शादी होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।